अच्छी खबर है। अब अगर आपको खजुराहो जाना हो, खजुराहो घूमना हो, तो विमान सेवा फिर से बहाल करी जाएगी अक्टूबर से। एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर है धीरेन्द्र प्रताप, 1 लाख की रिश्वत लेते सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर से मांगी थी 1 लाख की रिश्वत। एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर है धीरेन्द्र प्रताप, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सीबीआई ने रिश्वत लेते, 1 लाख की रिश्वत लेते कॉन्ट्रैक्टर से गिरफ्तार किया। सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन जुड़े हैं। ब्रिजेश, क्या रंगे हाथों पकड़ा है सीबीआई ने, टिप ऑफ क्या था, क्या 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं, और क्या पहले से कोई टिप ऑफ था, कंप्लेंट थी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ सीबीआई को? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला एम्स के मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनसे लंबे समय से बिल पास करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, और इसीलिए इसकी शिकायत उन्होंने सीबीआई में की थी। और सीबीआई ने 2 दिन की मेहनत के बाद पूरा ट्रैप करके इनको रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और ये जो रिश्वत ले रहे थे वो एम्स में नहीं ले रहे थे, बल्कि शाहपुरा के विष्णु रेस्टोरेंट में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको रिश्वत देने के लिए बुलाया था। इसके पहले ही सीबीआई पूरी तरह जाल बिछा चुकी थी, और उसके बाद इनको 1 लाख रुपए की रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। विजेश, अब आगे, क्योंकि एम्स प्रतिष्ठित संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, डिप्टी डायरेक्टर थे, क्या पहले भी कोई कंप्लेंट थी इनके खिलाफ? बिल्कुल, देखिए लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी, पहले भी कई तरह की कंप्लेंट जो है इनके खिलाफ आई थी, लेकिन एम्स के जो डायरेक्टर हैं और एम्स का प्रबंधक है उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया था। और अब एक बार ये रिश्वत के मामले में पकड़े गए हैं। अभी सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, और इनका जो एम्स में जो दफ्तर था वो सील कर दिया गया है। वहां से भी रिश्वत के कई डॉक्यूमेंट और फाइल जो है वो जब्त की गई है, और अब तक की जांच में ये पता चला है कि कई और लोगों से इन्होंने रिश्वत ली थी। ठीक है ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी अपडेट होगा हम वापस आएंगे। बड़ी खबर थी भोपाल से, डिप्टी डायरेक्टर एम्स को